क्या समस्या आपकी? समस्या 6 बीघा जमीन है जी। 6 बीघा में यहाँ 2 बीघा तक नापत, 2 बीघा आउट के हैं। क्या कह रहे हैं? कहा कि नहीं जाऊँगा तहाँ ढूंढ लिया आउट बताओ हम कहते कहाँ पर जाऊँगा तहाँ ढूंढ। तो कोई शिकायती पत्र आप चकबंदी में दिया है? हाँ, अपैती छोड़े हैं अपत। क्या कहा उन्होंने? किया है और राम प्यारी को उठा के बाहर कर दिया और कहा कि ये विभागी स्टाफ के मामले स्टाफ के हैं, इनको मैं सही चक काटेंगे। तो आपने किसी शिकायत की संबंध में? अभी तो हमने नहीं की, एक दो बार कहा मगर हमारी बात केवल बातों में रह गई। लोग कह रहे थे कि कुछ लेन देन का मामला है। जी, लेन देन बहुत हुआ है। हमारे साथ 5 बीघे हमारे पिताजी के नाम जमीन है जी। 3.5 बीघे हमको दी जा रही, 1.5 बीघे की ना तो मालियत लगाई है और ना वो हमारी जगह गैप कर दी है, कहते है ही नहीं। तो आपने किसी शिकायत की है? शिकायत सर हम करेंगे, आपत्ति डालेंगे। आपत्ति बड़ी है, आपत्ति पानी गिरी तो कहाँ उठाए हम जाइए, दुकान से हम हाल है। मेरा मामला ये है, 201 नंबर मेरे खाते खेती है और सब जगह जगह के नपाई हो गई है। अब आज जब नंबर आया तो कह रहे हैं कि तुम्हारा नहीं नपेगा। क्यों नहीं नपेगा? जमीन खत्म हो गई है। जमीन खत्म, क्या रबड़ बढ़ाए? बोला जा रहा है जमीन खत्म हो गई, इधर उधर सब चारों तरफ नप गई है। हमारा नंबर आकर बोलते हैं क्या हम रबड़ से बढ़ाएंगे, नाप के नहीं दे रहे हैं। और मौके पर मेरा 2.5 बीघा जमीन है, 2.5 बीघा पट्टा 5 बीघा का लगान पोत भरते रहे अभी तक। सर आपका परिचय क्या? सर क्या है मामला जो इतनी भीड़ लगी? यहाँ चकबंदी हो रही है, चकबंदी में जो है ये तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है मालियत, हर जगह की एक मालियत। हम चाहते हैं जहाँ अच्छी जमीन वहाँ की मालियत और जहाँ खराब वहाँ कम की मालियत लगा दीजिए। अगर हमारा चक होता है ज़्यादा मालियत से नहीं तो हमको कम में थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा, या तो फिर हमारा जहाँ जो था हमको वही दे दिया जाए, माल कोई दिक्कत न रहे, या तो इसको एक बराबर कर दिया जाए। हमारे टिब्बिल पर दूसरे का चक काट दिया गया है, दूसरे के टिब्बिल पर जो है दूसरे का काट दिया गया है। इससे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, ना किसी के पेड़ दर्ज है, ना किसी के टिब्बिल दर्ज है और ना कोई खलिहान दर्ज है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ, जिन्हें जो पीछे आप नाप कराएं उनको आप दुरुस्तीकरण करते हुए चले आएं, और उसके बाद जो है हमारी कोई लोगों की समस्या नहीं है। बस केवल एक चीज़ है कि हमारे लोगों को बराबर किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। और अगर कोई अधिकारी ये बता दे मुझसे कि प्रधान ने किसी के लिए गलत कहा हो, या किसी से नहीं, प्रधान ने 1 रुपया मेरे पूरी ग्राम सभा में बता दे कोई कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया हूँ, तो मैं उसका दोषी हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि नहीं जो है प्रधान गलत करा रहे हैं। एक आदमी पूरी ग्राम सभा का कोई मुझको प्रमाण सहित दे दे, मैं आज इस्तीफा दे दूंगा प्रधान से। तो आपने किसी उच्च अधिकारी से? हमने कई बार शिकायत किया, एक बार नहीं, सब कई बार उन लोगों ने कहा कि जो है हम कर देंगे। विभाजन हमारे यहाँ नहीं हुआ है, बिना विभाजन का बंटवारा कर दिया गया है। भैया क्या नाम है? उधरा नाम है। क्या है मामला जो इतनी भीड़ लगी भैया? यहाँ मामला ये है कि जो हमारे यहाँ चक बने हैं उनको नोटिस नहीं मिली, मिल पाई है। वो अपने मनमानी तरीके से पैसा लेके जो है बना दिए हैं चक। कौन बना दिए? ये जो चकबंदी यहाँ जो अधिकारी लोग हैं गलत रिपोर्ट लगा दिए हैं। क्या आपके क्षेत्र में चकबंदी चल रही है? क्या हमारे क्षेत्र में चकबंदी चल रही है? जैसे कोई जमीन है उसका सही जो है वो नहीं लगाए हैं, मालियत नहीं लगाए हैं। तो आपने किसी शिकायत की है? अभी तो शिकायत नहीं किए हैं, प्रधान जी के पास आए हम लोग, प्रधान जी से रिक्वेस्ट किए हैं, प्रधान जी ने कहा कि हम कराते हैं इसको। कल से आप लोग पैमाइश करिए, आज पूरी समस्या नोट करके हमको नहीं ठीक भाई। आप वाले हमारी बात सुन लीजिए, समस्या यह है जैसे बालेश्वर है राके वो बालेश्वर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पहले बतिया सुन लो। जो चक की नोट कराए तो उनसे एक चीज़ जरूर पूछ लीजिए कि आपत्ति आप किए हो कि नहीं, और जो नहीं किए हैं उनको बता दीजिए कि कर दीजिए। और मालियत वाले में अगर कोई बताता है कि ये गड़बड़ है तो उसको नोट कर लीजिए। मालियत तो मैंने वो हमारी बात सुन लीजिए। और कल से नायब साहब कहाँ गए? थोड़ा भाई कल से नायब साहब इन दोनों लोगों को लेके कानून के सर परिचय। सर मैं सहायक चकबंदी अधिकारी हूँ जी। क्या है मामला जो इतनी भीड़ लगी है? सर भीड़ इसलिए लगी है, यहाँ पैमाइश चल रही है, इसमें पैमाइश चल रही है
कुछ लोगों का कहना है कि हमारे चेक गलत कर दिए हैं, जो भी है तो सीओ सभी आए थे, मौका देके गए हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ मुकदमे चल रहे हैं, सीओ सब में पेंडिंग है और उनका जो है निस्तारण उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी बुधवार को डेट लगाएंगे। सीओ स्टेज पे है सर। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुछ लेन देन करके जो है जमीन इधर से उधर कर दिया गया, ऐसा क्या मामला है? प्रधान जी ने आज तक ना किसी की खराब करने के लिए कोई कहा है, ना इन्होंने पैसा दिलाया है, ना किसी ने कोई पैसा लिया है। एक गलत आरोप कोई लगा रहे हैं, सामने आए जो कह रहे हैं, सामने आए किसको दिया है।